जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे क्लास टेंथ के 15 क्वेश्चन जो कि बहुत भीषण रहेंगे, है ना। पढ़े वो जो एग्जाम में प्रत्येक साल आते हैं, आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में, यानी 2023 में। ठीक है, देखिए, है ना, 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिजिक्स के, अभी फिजिक्स का स्टार्ट किए हैं, है ना। इसके बाद फिर बायो होएगा, फिर आपको क्या कहते हैं केमिस्ट्री सारा आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए पढ़े हुए क्वेश्चन जो प्रत्येक साल एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना। ये आपको बता दे, ये 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, है ना। पहला क्वेश्चन जो देख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश के परावर्तन को नियम और प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ये दो क्वेश्चन जो कि प्रत्येक साल बोर्ड में हेरा फेरी करके पूछे जाते हैं, ये माइंड में रखिएगा, इसका तैयारी कर लीजिएगा आप। दूसरा है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में दो दो अंतर बतावे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आपको अंतर बताना है, है ना। ये क्या है, ये क्या है, इसका कौन सा लेंस यूज किया जाता है, इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, ऐसे करके आपको बताना है पूरा। ठीक है, उसके बाद है कि अगला, गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है गोलीय दर्पण क्या है, लेकिन यहां पर जो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है चेंज भी हो सकता है, हो सकता है 10 हो, 15 हो, इस तरह से रह सकता है, आप देख लीजिएगा यहां से। ठीक है, इसका भी तैयारी कर लीजिएगा। अगला कहता है उत्तल एवं अवतल दर्पण के तीन तीन उपयोग लिखिए। उत्तल एवं अवतल दर्पण के तीन तीन उपयोग लिखिए, बताइए कि उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है। उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, बता दिए थे। इसके कितने नियम है, इसके नियमों को लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन अपना है वो निकर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, है ना, इसका सचित्र वर्णन करें। या यहीं पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो निकर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन करें। अगला है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट यानी बढ़िया से क्यों नहीं देख पाता है, साफ साफ क्यों नहीं देख पाता है। अगला क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम के नियम को लिखें। ओम के नियम किसे कहते हैं, ओम के नियम जानते हैं ना, उसे किसे कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल का नामांकित चित्र बनाइए, यानी नाम लिखा हुआ विद्युत बल का चित्र बनाना है आपको, नामांकित चित्र बनाइए। अगला है परिनालिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, परिनालिका का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, जो नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखिए। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखिए, यानी बाएं हाथ का जो नियम है फ्लेमिंग का, उसको लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको यहां तक। अगला है, लघु पथन से आप क्या समझते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट जो होता है, लघु पथन से आप क्या समझते हैं, है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन क्या है, इसकी क्या क्या हानियां हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या है, इसकी क्या क्या हानियां हैं। ये आपके 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको बता दें कि इसके बाद पार्ट टू जारी करेंगे, उसमें भी 15 क्वेश्चन मात्र देंगे। उसके बाद 30 क्वेश्चन में सबसे गारंटी लेते हैं कि आपके एग्जाम में सारा प्रश्न टकरा जाएंगे, उसमें आपको द्वि उत्तरीय प्रश्न भी रहेंगे उस 15 में। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें, अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।